मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं एक्सरसाइज 15 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें एग्जांपल नंबर 5 जो एक्सरसाइज 15.2 से पहले का एग्जांपल है, तो पांचवा एग्जांपल है घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो घड़ी के अंदर मिनट की सुई और घंटे की सुई द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है उसका बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई होती है ना वो एक अगर पूरा राउंड लगाती है, पूरा राउंड लगाने के अंदर वो 60 मिनट चलती है मिनट की सुई, तो 60 मिनट के अंदर अगर वो एक पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का कोण बन गया, और एक मिनट में कितना बनेगा 360 बटा में 60, 60 का इसमें भाग लगेगा, 0 से 0 कट गया तो आ जाएगा 6 डिग्री। तो घड़ी के अंदर मिनट की सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण केंद्र पर बनाती है। अब ये बात घंटे की सुई के लिए है, तो घंटे की सुई जब एक पूरा राउंड करने के अंदर वो टोटल कितने घंटे लेती है, 12 घंटे लेती है, और 12 घंटे के अंदर एक घंटे में 60 मिनट होता है तो टोटल हो गए 720 मिनट, तो 720 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक मिनट में कितना बनाएगी 360 बटा में 720, 0 से 0 कट गया 36 एकम 36, 36 का दो बार करोगे तो 72, तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री आ जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट याद रखो कि एक मिनट में घड़ी के जो मिनट की सुई होती है वो तो 6 डिग्री का कोण बनाती है और जो घंटे की सुई होती है वो आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें घड़ी के घंटे की सुई का क्वेश्चन है, तो ये 6 सेंटीमीटर लंबी है तो ये 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या का काम करेगी, और 90 मिनट में तो आपको ध्यान हो एक मिनट में कितना बनाती है तो आप 90 मिनट का ज्ञात कर सकते हो, और फिर वो थीटा का मान आ जाएगा और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घड़ी में जो घंटे की सुई की लंबाई, घड़ी में घंटे की सुई की लंबाई, लंबाई को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर कितना है यहाँ 6 सेमी, और 90 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो आप चाहो तो ये पूरा लिख सकते हो कि 720 मिनट में इतना कोण बनाती है, या आप चाहो तो एक मिनट वाला डायरेक्ट लिख सकते हो कि घंटे की सुई एक मिनट में केंद्र पर कोण बनाती है, कितने डिग्री का बनाती है 1/2 डिग्री का, और आपके पास यहां कितने मिनट दिए गए हैं 90 मिनट दिए हैं, तो घंटे की सुई है वो 90 मिनट में कोण बनाएगी, तो 90 मिनट में 1/2 का गुणा किससे हो जाएगा 90 डिग्री से, 2 की टेबल से 90 कट जाएगा तो ये 45, कितना आ गया ये 45 डिग्री, तो यहाँ थीटा का मान हो गया है 45 डिग्री। अब आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 90 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 गुणा में आर कितना है यहाँ पे 6, तो 6 × 6 × में थीटा कितना है 45 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री। तो यहाँ पर इनको कैंसिल करेंगे तो आप 45 को 360 से काट सकते हो, अदरवाइज 6 × 6 ये 36 होता है तो ये 360 को भी डायरेक्ट काट सकते हैं, तो 6 × 6 जो 36 बनता है, तो ये 36 कितनी बार काट देगा 360 को 10 बार, अब 10 और 45 5 से करते हैं तो ये 9 बार कट गया, 5 की टेबल से ये 2 बार, 2 की टेबल से 22 है वो 11 बार, 11 × 9 हो गए 99 बटा में कितना है 7, तो 7 की टेबल से 99 को डिवाइड करोगे तो 7 × 7 = 2 29 में 4 बार 28, तो अपने पास एक बच गया 7 × 7 फिर 3 बचेंगे तो 4 बार ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो 14.14 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ प्रश्न आता है तो आपको इस घंटे की सुई की लंबाई चेंज करके दे देता है, और यहाँ मिनट 90 की जगह 60 लिख दे, 50 मिनट लिख दे, तो इस तरह वो टाइम जो आपको दे मिनट में वो चेंज कर सकता है, और सुई की लंबाई है वो चेंज कर सकता है, 6 दे दे, 7 सेंटीमीटर दे दे, जी मिला के 3.5 सेंटीमीटर दे दे, तो इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि मिनट की सुई है वो 1/2 डिग्री, सॉरी घंटे की सुई है 1/2 डिग्री का बनाती है, और मिनट की सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगला उदाहरण है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, इससे बनने वाले लघु और दीर्घ वृत्तखंड, अब जो सवाल आ गए वो आ गए वृत्तखंड के, तो वृत्तखंड
का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र से अपन वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ वर्तखंड दोनों ही दे रखे हैं, लघु और दीर्घ। तो यहाँ जो कोण दिया गया है 30 डिग्री, इसके संगत जो वर्तखंड बनेगा वो लघु वर्तखंड बनेगा, यानी जो इसकी शेप है वो इस तरह से बनेगी। ये 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है केंद्र पे, और इसके संगत जो लघु वर्तखंड बनेगा ये इसका क्षेत्रफल आपको पूछा है। और यहाँ त्रिज्या दे रखी है ये 14 सेंटीमीटर, और साथ में इसने पूछा है दीर्घ वर्तखंड का। तो दीर्घ वर्तखंड के लिए क्या करेंगे, इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वर्तखंड को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले अपन लघु वर्तखंड का ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे वर्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। तो वर्त की जो त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और जो थीटा है केंद्र पर अंतरित कोण कितना है 30 डिग्री है। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्तखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तब आपको 22/7 ही लिखना है। तो 22/7 इंटू में आर का मान कितना है, आर का मान दिया गया है 14 इंटू में थीटा कितना है 30/360 माइनस 1/2 इंटू आर कितना है 14 इंटू में साइन, साइन कितना डिग्री है 30 डिग्री। अब यहाँ पे जो कैंसिल होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल से ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, 7 की टेबल से 14 दो बार कैंसिल होएगा, 2 से 12 है वो 6 बार, और ये 2 से 3 बार, और 2 से ये 11 बार हो जाएगा। तो 11 का 14 से गुणा करेंगे और बट्टा में कितना अपने पास 3 है, तो 14 एकम 14 हो गया, और 14 एकम 14 और 1 15, बट्टा में कितना है 3, और माइनस ये साइन 30 का मान लिखेंगे अपन, तो 2 की टेबल से तो ये कट जाएगा 7 बार, तो 14 7 98 हो गया, तो 98 इंटू में ये कितना है साइन 30 का मान 1/2, तो ये 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 49 आ गया। तो 154/3 माइनस 49। अब आप इसका 3 में भाग दे करके फिर 49 घटा दो, या लघुतम लेके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो 3 का भाग दे दो, तो 3 का भाग 15 में 5 बार गया पूरा पूरा, अब 4 उतारोगे तो 1 बार जाएगा, फिर 10 बनता जाएगा, तो 3 और 3 ये आ गया, माइनस का कितना है 49। 51.33 में से 49 माइनस करोगे तो 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो आ गया लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अपने को साथ में पूछा है दीर्घ वर्तखंड का, तो उसके लिए वर्त का क्षेत्रफल ध्यान होना चाहिए, और वर्त का क्षेत्रफल जब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होती है तो 14 सेंटीमीटर में कितना आता है, आंसर 616 आता है। तो यहाँ पे आपको वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा पहले, उसके बाद में अपन दीर्घ वर्तखंड का ज्ञात करेंगे। तो वर्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकालना आपको बताया हुआ है 15.1% वाली के उदाहरण और क्वेश्चन किए थे उसमें, वर्त का क्षेत्रफल ये आपको निकालना है। उसके बाद में आप लिखोगे दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वर्त का क्षेत्रफल माइनस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का माइनस हो जाएगा, तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल आएगा 616 माइनस 2.33। अब 616 में से 2.33 माइनस होगा, तो 616 में से अगर 3 माइनस होता तो 613 आता, तो 613 से ऊपर कितना होगा 613.33 माइनस हो रहा था, कितना आ जाएगा 6-7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न में आपको लघु और दीर्घ दोनों का पूछा हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन 3 नंबर में बना सकते हैं, और कोण यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 30, 60, 45, और त्रिज्या का मान भी 14 से 7 सेंटीमीटर कर सकता है, 10.5 कर सकता है, लेकिन पेपर में हमेशा ही जो त्रिज्या आती है वो बिल्कुल इजी देता है, यानी पॉइंट वाली बहुत कम देता है, जो एकदम एक ही टेबल से कैंसिल हो जाए उस टाइप की त्रिज्या का मान आपको देता है। अब प्रश्नावली 15.2 का पांचवा क्वेश्चन है, तो घड़ी में मिनट की सुई का क्वेश्चन है, वो था उदाहरण था वो घड़ी में घंटे की सुई का था, ये है मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो मिनट की सुई की लंबाई है वो आर का मान है यहाँ पे, तो घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई आर का मान है 10.5 सेंटीमीटर, और 10.5 ये 21 का आता है, तो इसको आप 21/2 सेंटीमीटर लिख दो,
इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए। तो मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। तो 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी, ये 60 डिग्री का बनाएगी। तो मिनट की सुई द्वारा, क्योंकि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में बनाया गया कोण, केंद्र पर अंतरित कोण लिख सकते हो। तो केंद्र पर अंतरित कोण 1 मिनट में कितना बनाती है, वो 6 डिग्री का। तो इसलिए घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण, तो 6 × 10 कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, यानी थीटा का मान आ गया आपके पास 60 डिग्री। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 10 मिनट में बनाई गई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 × में, आर का मान दिया हुआ है 21/2, आर स्क्वेयर है तो 21/2 का भी स्क्वेयर हो गया, इंटू में थीटा कितना है 60/360 डिग्री। कि ये पूरे के बटा में 360 लिखते उस तरह से भी सही है, या ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये एंगल से पूरा पूरा हमेशा कैंसिल होने वाला वैल्यू देगा ये आपको। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 की टेबल से 36 6 बार कैंसिल हो गया, 7 की टेबल से 21 3 बार कैंसिल हो गया, 3 की टेबल से 6 2 बार कैंसिल हो गया, 2 की टेबल से 22 11 बार कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अपन गुणा करेंगे, 21 का 11 से बटा में कितना है 4, तो 4 का भाग देना है, और 21 का 1 से करेंगे तो 21 21 एकम 21 और 2 हो जाएंगे 23, 231 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग 5 बार गया 20, उसके बाद 3 बचेंगे, 3 बचने के बाद 31 हो जाएंगे, 31 में भाग गया 7 बार 4 7 28, फिर 3 बचेंगे 30, फिर 4 7 28 2 बचेंगे और 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 57.75 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मिनट की सुई और घंटे की सुई, इस टाइप के दोनों ही क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पे कोण का मान ध्यान रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण अंतरित करती है, और घंटे की सुई वो 1 मिनट में कितना कोण केंद्र पर अंतरित करती है। अब 15.2 का 7वां प्रश्न, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि का मान दिया हुआ है 22। अब यहाँ परिधि उस वृत्त की दी गई है, तो 22 से आप यहाँ त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, और 22 से अपन ने त्रिज्या ज्ञात की, ये कितनी आएगी 3.5। अब चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश होता है वो वृत्त का चौथा भाग होता है, यानी यहाँ पे वृत्त के अंदर जो चतुर्थांश आप ग्राफ के अंदर बनाते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश, तो यहाँ पे जो वृत्त के अंदर जो चतुर्थांश बनेंगे वो प्रत्येक है कितने डिग्री पे होता है कोण, इसका 90 डिग्री कोण होता है प्रत्येक चतुर्थांश का कोण। और यहाँ जो त्रिज्या दी गई है वो आपको परिधि से याद कर लोगे। अब चतुर्थांश है वो वृत्त का चौथा हिस्सा है, तो आप जैसे अर्धवृत्त का ज्ञात करते हो तो पाई आर स्क्वायर के बट्टा में 2 का भाग देते हो, तो चतुर्थांश में आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग देके भी ज्ञात कर सकते हो। अदरवाइज ये जो चतुर्थांश है ये एक त्रिज्या खंड की तरह काम करेगा, तो ये त्रिज्या खंड है वृत्त का चौथा हिस्सा, इसका कोण कितना है 90 डिग्री, और परिधि 22 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी 3.5 आएगी। तो इस तरह से चतुर्थांश एक त्रिज्या खंड की तरह होता है, तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके भी आप चतुर्थांश का ज्ञात कर सकते हो। अदरवाइज आप चतुर्थांश में ये वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, तो 1/4 πr² का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो इन दोनों में से आपकी मर्जी है, किसी तरह से भी करो। परिधि से त्रिज्या निकालना 15.1 के अपन ने क्वेश्चनों में किया हुआ है, तो परिधि 22 है, तो यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, त्रिज्या का मान आ जाएगा 3.5। तो 3.5 कितना होता है 7/2 होता है भिन्न में। अब त्रिज्या का मान 3.5 है और चतुर्थांश है, तो थीटा कितना है 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। तो पाई का मान 22/7 × में, आर का मान कितना है 7/2 × में, 7/2 × में थीटा कितना है 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री। तो 90 से ये 360 काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार। अब इस 4 से इस 7 से 7 कट गया, 2 की टेबल से 22 11 बार कट गया, 11 7 कितना हो गया 77/4 × 2 कितना हो गया 8। तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 की टेबल से 9 बार बेहतर हो जाएगा, उसके बाद 5 बचेगा, तो 5 से पॉइंट को लिखने के बाद 50 हो जाएगा, 50 में 6 बार हो गया 48, फिर 2 बचेगा, 2 में 20 हो जाएगा,
20 से 2 बार 8 दूनी 16 4 5 गया और 40 मिनट 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अदरवाइज आप ये भी लगा सकते थे 1/4 × πr² तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र है और 1/2 × πr² ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो चतुर्थांश में आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ थीटा आपने 90 डिग्री रखा तो ये 360 से जो कैंसिल होगा तो ये 4 टाइम होगा तो ये 1/4 × πr² वाला ही फॉर्मूला बनेगा। तो चतुर्थांश को आप त्रिज्य खंड की तरह ही कर सकते हो और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला 1/4 × πr² से भी कर सकते हो दोनों से ही। प्रश्नावली 15.2 का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब भी क्वेश्चन आता है छायांकित भाग का तो उसमें सबसे पहले आप ये देखोगे कि छायांकित भाग के लिए कौन से पोर्शन में से आपको कौन सा पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये बीच में छायांकित भाग है ये कह रहा है कि इस ए बी सी डी जो आयत है इसमें से ये चार त्रिज्य खंड काटे गए हैं, तो अगर इस आयत में से आप ये चारों त्रिज्य खंड को हटा दो तो ये बीच वाला भाग बचेगा वो छायांकित बचेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद में चारों त्रिज्य खंड इनका प्रत्येक कोण कितना है 90 डिग्री है क्योंकि ये आयत में से कटे हुए चारों शीर्ष में से, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो चारों का क्षेत्रफल आपको एक साथ ज्ञात कर लेंगे, चार से गुणा कर लेंगे एक त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को, जैसे अपन ने सम बहुत्रिभुज वाला उदाहरण किया था तो उस तरह से यहाँ पर आपको चार त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल एक साथ ज्ञात करना है। फिर आयत के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्य खंडों का अपने सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास जो बचेगा वो छायांकित भाग बचेगा। तो ये प्रोसेस होगा क्वेश्चन का। तो सबसे पहले अपन आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर आयत एबीसीडी की लंबाई दे रखी है, आयत एबीसीडी की जो लंबाई है अल का मान कितना है 10 सेमी है और आयत एबीसीडी की जो चौड़ाई है बी का मान कितना है 7 सेमी है। तो आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल होता है अल इंटू बी लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10 × 7 हो गया ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आयत का। अब चारों त्रिज्य खंड, इसने कहा है कि आयत के प्रत्येक सिर से 3.5 सेमी त्रिज्य के वृत्त खींचे गए हैं, तो यहाँ जो चार ये त्रिज्य खंड बन रहे हैं जो कि इस आयत के चारों कोनों पर काटे गए हैं, तो प्रत्येक त्रिज्य खंड की त्रिज्या रेडियस ऑफ ईच सेक्टर यहाँ पे आर का मान कितना है 3.5। जब भी आपको 3.5 मिले तो उसे 7/2 लिख दीजिए। तो ये आ गया r का मान और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है। अब चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल एक साथ ज्ञात करेंगे तो चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ फोर सेक्टर, चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल तो 4πr² θ/360 डिग्री। अब 4 × π का मान 22/7 इंटू में आर का मान कितना है 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में थीटा कितना है 90 डिग्री/360 डिग्री। देखो इस 4 से तो ये 2 × 2 4 दोनों कैंसिल हो गए, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9 की टेबल से 36 है वो 4 बार कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 × 4 हो जाएगा और ये 11/22 11/77/2 कितना होता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आ गया चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल, आयत का कितना आया हुआ है 70 माइनस ये कितना है चारों त्रिज्य खंडों का 38.5, तो 70 में से अगर 38 घटते तो 32 बचता, 38.5 घटा रहे हो तो ये 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर। तो अब 10वीं का जो टाइम टेबल, 12वीं का टाइम टेबल आ चुका है कल और 10वीं का जो पेपर है मैथ का 30 तारीख को है, तो 30 तारीख तक अपने लगभग सिलेबस 90% है वो कवर कर लेंगे, 90-95% एक महीना पड़ा है अभी। तो जो थ्योरम वाली एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीक अपन शुरू करेंगे, इस वीक में ये 15वीं और 16वीं दोनों कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद थ्योरम वाली जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को अलग अलग करवा दूंगा।